या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रास्त्रा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पञ्चाशदेवलिपयो रविवंशजानां संख्यामतीत्य भूमिभान्ति गुणानृपाणां पञ्चाशदेवलिपयः रविवंशजानां संख्यामतीत्य भूमिभान्ति गुणानृपाणां एतैरमून् कथमहं कथयामि देवी मातः सरस्वती ममात्र कुरु प्रसादम्। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। भारतदेशस्य वैभव संपादकेषु विषयेषु अग्रगण्यतया शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत भाषा द्वारा शास्त्राणाम् अध्ययनं प्रचलति। भारतदेशस्य सार्वजनिक एकता मैत्री सद्भावना विषये संस्कृतस्य योगदानम् अतीव वर्तते। नीति प्रबन्धानां प्रचारेपि संस्कृतस्य मुख्यं स्थानं विद्यते। महाभारत भगवद्गीता इत्यादि विषये पूर्वशासकाः ये आसन् राजानः तैः श्रोत्रिय अग्रहाराः निर्मिताः। वेद वेदांग वेदांत प्रचारार्थं तर्क मीमांसा व्याकरणादि सांख्य योग इत्यादि शास्त्राणां प्रचारार्थं च भूमिः प्रदत्ता वर्तते विदुषां कृते। तथा तादृशरीत्या पूर्वशासकैः प्रोत्साहनं कृतं संस्कृतविद्यायाः विषये। काशीस्थ वाराणसीस्थ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय पक्षतः विद्वद् वैभव परंपरा इति नामना सज्जी क्रियते। तस्मिन् एतावत् कालपर्यन्तं प्रारंभ समयतः एतावत् कालपर्यन्तं सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालये ये अध्यापकाः आसन् ये विनीताः आसन् तेषां छायाचित्रादिकं अथवा तेषां विषये विवरणादिकं दत्वा डॉक्यूमेंटेशन श्रौती परंपरा तु विद्यते एव। तथापि आधुनिक काले एतादृश व्यवस्थापि आवश्यकी। सर्वेषां कृते प्रचारार्थम् आवश्यकी। तन्मनसि निधाय राजाराम शुक्ला महोदयैः एतादृश परिश्रमः क्रियमाणः वर्तते। तद्वारा विश्वविद्यालयस्यापि प्रचारः भवेत्। आगामिकाले उत्साहवर्धनञ्च भवेत्। संस्कृतविषये शास्त्रविषये ये ये प्रयत्नाः कृताः विश्वविद्यालयपक्षतः तादृशप्रयत्नानाम् आगामिकाले आधुनिकानां मध्ये भावि छात्राणां मध्येऽपि तस्य विवरणं दीयते। तस्य सुकरतया
संस्कृत प्रचारार्थम उपयोगाय भवेत्। वाग्देव्याः अनुग्रहेण क्रियमाणोऽयं प्रयत्नः सफलो भूत्वा तद्वारा संस्कृतभाषायाः संरक्षणं, संस्कृतेः संरक्षणं, संस्कृतसमाजस्य संरक्षणं यथा समूह दृष्ट्या नाम एकत्रित प्रयत्नेन साफल्यं यथा प्राप्नुवेम तथा अयं प्रयत्नः सक्रियः सफलो भूयात् इति प्रार्थना विश्वे विश्वेश्वर सन्निधौ क्रियते। तथा पूर्वं चन्नपुर्यां रंगस्वामी शर्मा इति विदुषा एतादृश प्रयत्नः कृतः, ग्रन्थोऽपि प्रकाशीकृतः, द्विशत वर्ष काले ये नूतन ग्रन्थान् निर्मितवन्तः रचयितवन्तः इत्यादि विषये तादृश प्रयत्नः आधुनिककाले अत्यावश्यकः। क्रियमाणोऽयं प्रयत्नः संस्कृत प्रचारार्थं हिताय भूयात् इति प्रार्थनां कुर्महे। हर हर शंकर, जय जय शंकर। मैं महर्षि आजाद, जय हिंद संस्कृतम। सर्व विद्या की राजधानी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी अत्यंत प्राचीन एवं भारतीय संस्कृत की विरासत है। इस काशी में महान शास्त्र परंपरा एवं पांडित्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। काशी के शास्त्र परंपरा में अनेक तपोनिष्ठ ब्रह्मज्ञ विद्वानों ने अपना अविस्मरणीय एवं अकल्पनीय अवदान दिया है। उसी महनीय परंपरा का साक्षी एवं लगभग 230 वर्षों का इतिहास आत्मसात किए हुए काशी की धरती पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय विद्वान है। लगभग 230 वर्षों से काशी के तपस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी ऋषितुल विद्वानों ने इसके प्रांगण में बैठकर लाखों शिष्यों को शास्त्र का उपदेश दिया है। जिन विद्वानों ने अपनी साधना, अपना ज्ञान विस्तार किया है, उनका संस्मरण आज संपूर्ण भारतवर्ष कर रहा है और उनके पदचिन्हों पर चलना चाहता है। ऐसे मनुष्य विद्वानों को संपूर्ण विश्व सदैव याद रखे, इस निमित्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी ने उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर अत्यंत पुनीत कार्य किया है, जिसके लिए मैं उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज 31 अगस्त 2020 अनंत चतुर्दशी को इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, यह अत्यंत हर्ष का विषय है। यह फिल्म निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति, देवभाषा एवं विश्व के चरित्र निर्माण में अत्यंत उपयोगी एवं सहयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि ऐसे ऋषियों का जीवन संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है। अंत में मैं इस अवसर पर कुलपति महोदय एवं उनके सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए इस पद का स्मरण करता हूँ। एतद् देश प्रसूतस्य साकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षिरन् पृथिव्याम सर्व मानवः। नमस्कार, मैं राजकुमार संतोषी, हिंदी फिल्मों का लेखक निर्देशक हूं। मेरी फिल्में आपने देखी होगी, कुछ अच्छी फिल्में बनाई है, कुछ ठीक ठाक फिल्में बनाई है, लेकिन हर फिल्म में मेरी हमेशा एक कोशिश रही है मनोरंजन के साथ साथ कुछ अच्छी बातें कह सकूं समाज के लिए, आपके लिए। बनारस, वाराणसी, ये मेरा पसंदीदा शहर है। जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं आता हूं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करता हूं, मन प्रसन्न हो जाता है। यहां की मिट्टी, यहां के पानी में ऐसा कुछ है, जब भी आया हूं अच्छे विचार आते हैं, अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छे सब्जेक्ट दिमाग में आते हैं। हाल ही में मुझे पता चला, सन 1791 में ब्रिटिश सरकार ने बनारस संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, आज जिसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तब से लेकर अब तक बड़े बड़े आचार्यों ने इस संस्था के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैलाया है। नई पीढ़ी को इस संस्था से परिचित कराने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म की एक सीरीज शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से
इस संस्था के 200 वर्षों के इतिहास को बहुत ही प्रमाणिक और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं ये विश्वविद्यालय अपने गौरव के उच्च शिखर तक पहुंचेगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके साथ है। धन्यवाद। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। संस्कृत विद्या में अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी तथा विश्व की प्राचीनतम संस्कृत संस्था जो आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है, ख्रिस्तीय वर्ष 1791 से निरंतर विश्व समाज को दिशा निर्देश प्रदान कर रही है। इस तपोभूमि को अनेक ऋषिकल्प आचार्यों ने अपनी तपस्या से पवित्र किया है। ऐसे आचार्यों के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को विश्व समाज तक पहुंचाने की दृष्टि से विद्वत वैभव परंपरा नामक वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला आरंभ की जा रही है। यह श्रृंखला उन आचार्यों के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने अध्ययन अथवा अध्यापन के माध्यम से इस महनीय संस्था का गौरव वर्धन किया। यहाँ पर एक एक मनीषी एक एक विद्वान हुए, उसमें व्याकरण के विद्वान, साहित्य के विद्वान, ज्योतिष के विद्वान, अनेक प्रकार के विद्वत विद्या के रत्न के रूप में विद्वान पैदा हुए। उन विद्वानों ने अपनी विद्या विभूति से सारे विश्व को व्यक्त किया। अपदेव शास्त्री, पाल शास्त्री, तात्या शास्त्री, अनेक प्रकार के शास्त्री शिवमणि विराजमान। यहाँ पंडित परंपरा द्विविधापि पंडित परंपरा, पाश्चात्य पंडित परंपरा, भारतीय पंडित परंपरा अत्र विश्वविद्यालये आसीत्। सा परंपरा अनितर साधारण अपि च विलक्षणा अपि वर्तते। तत्र एवं षडधिक संख्याकाः विभूतयः पंडित विभूतयः तेषु दिवसेषु CIE महामहोपाध्यायेति बिरुदभाजः आसन्। चत्वारः अथवा पञ्च पद्मविभूषणाः, पञ्चाधिकाः वेंकटाचलं प्रभृतयः पद्मश्री सम्मानेन सुभूषिता आसन्। अपि च उपचत्वारिंशत् राष्ट्रपति सम्मानिताः विद्वांसः वर्तन्ते। निश्चित रूपेण यद्यपि काश्याः महत्त्वं विद्यावैभवस्य तु सर्वत्र विश्वस्तं, न केवलं विश्वस्तं अपि स्वर्गे भी वर्तते। ये जो रूप खड़ा हुआ है ये वंशों विस्तार राम जादु कीर्ति जट दिगंतरम, ये वंश का विस्तार कीर्ति इस विश्वविद्यालय की इस देश में विदेश में पड़ोस में सब जगह संस्कृत का झंडा लहरा रहा है और लहराता रहेगा, यह हमारी शुभकामना। विश्वविद्यालय का कार्य तो पहले से ही करता रहा, बाद में स्थापना हुई व्याकरण साहित्य मीमांसा, सभी शास्त्रों के पंडित, व्याकरण के पंडित मुरलीधर, साहित्य के पंडित पट्टाभिराम शास्त्री, मीमांसा में पट्टाभिराम शास्त्री, गोपीनाथ कविराज, वेद में भगवत चरण उपाध्याय, आचार्य प्रवराह, नव्य पाणिनि भूताः, राम प्रसाद शास्त्री महोदयाः, ते तावत् अस्माभिः दृष्टाः। अनेन एव प्रकारेण महामहोपाध्यायाः गोपीनाथ कविराजाः अत्र आसन्। अस्मिन् विश्वविद्यालये अस्य विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे पदे पदे तेषां महापुरुषाणां स्मृतिः इदानीमपि तावत् अनुस्यूता वर्तते। मन्ये अनया योजनया, अनया चलचित्र योजनया तेषां पुण्यस्मरणं भविष्यति। अगर इस न्याय परंपरा का आरंभ वाराणसी में मान है तो
जहाँ तक सुनने और देखने में आ रहा है बामा चरण भट्टाचार्य से ही यह परंपरा शुरू होती है। इनके चार जो शिष्य हैं जिसमें पंडित राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित बामा चरण भट्टाचार्य और शिवदत्त मिश्र है, इनका वैशिष्ट्य था। इनके द्वारा मार्ग प्रदर्शन।